दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में मौजूद हैं और ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर पूर्व मंत्री बिहार सरकार मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का हत्या हो गया है। बता दें कि जैसे ही सुबह में चारों तरफ इसकी बात जो है, ये घटना का जो खासकर मैसेज गया, लोग सन्न रह गए। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका घर भी यहीं पर है, और बता दें कि ये सबसे पहले वहां पर गए और उन्होंने ये देखा कि जीतन सहनी किस स्थिति में वहां पर लेटे हुए हैं, उनका शव बरामद हुआ, वो किस स्थिति में उनका शव था, ये इनसे ही जानना चाहेंगे। थोड़ा सा बताएं पूरा डिटेल्स की आप लोगों को कितने बजे पता चला, टाइमिंग क्या था, क्या देखा आपने? जोर से हम लोग देखे, सुबह में आया एक आदमी उधर से, उसको बोला था फूल लाने के लिए, सुबह रात में बोला उसको फूल लाने के लिए, बूढ़ा था, बूढ़ा उसको गया उठाने के लिए, वो नहीं उठा, जोर से नहीं उठा, तो उसको गया पीछे से गया अंदर गया तो देखा पीछे दरवाजा टूटा हुआ था और पल्ला चलना, ऐसे गया अंदर गया देखने के लिए, तो गया वहाँ पर देखा बुढ़वा को चौकी पे पड़ा हुआ था और उसे छुरा लगा हुआ था पेट में, बहुत ही बाहर हो गया था। उसके बाद कुछ चिल्लाते बुलाते बुढ़वा आया बाहर, अल्लाह कर जोगी सहनी थे, जोगी सहनी हाँ के छत्री आया जाते भाई मलाए अगले बगल के घर कत बगल में। अच्छा, तो की स्थिति में चले उनका जीतन सहनी? देखे वो सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, चारों नालचित था, उसके पेट से अति भोटी बाहर था और मरा हुआ था उस टाइम में। 8 बजे में हम लोग गए देखने के लिए, 7 बजे 7 बजे में देखे थे, आया हल्ला कर दे। पता क्या बजे चल रही बात के? एक बात को मालूम वही हुआ, 7 बजे मालूम हुआ, वही बुढ़वा गया ना बोलने के लिए, तो वही बुढ़वा आया था देखा। अभी मरा नहीं, मरा जल्दी फिर वही बुढ़वा बोला ऐसे ऐसे बात है, तो हल्ला हुआ, तो उनका मंत्री जी है, मंत्री जी आया था, क्या नाम है, पवन सहनी, वो भी आया और 4 आदमी, पवन सहनी था, रमेश था, वो जोगी सहनी था और 2-3 गोटा, हम लोग भी गए उसके पीछे पीछे, पवन सहनी के पीछे पीछे गए, तो वहाँ पर देखे उसको पेट फटा हुआ था और मरा हुआ पड़ा था। कितना जगह पे चाकू लगा हुआ था? चाकू से हुआ है क्या और कुछ है? अब क्या था, कौन चीज से लगा हुआ था, हम लोग गए देखे, पूरा ज्यादा जख्म था क्या? हाँ, पूरा बोटी जो था ना, ये बोटी यहाँ से ऊपर आ गया था, आधा पेट निकाल दिया, आधा बाहर था बोटी, और वो देख करके हम वहाँ पे देखा नहीं गया, उसके बाद वहाँ से रिटर्न आ गए तुरंत, उसके बाद वो गया पवन को वहाँ पे बोला हल्ला किया, उसके बाद उधर से सब लोग खबर किया, जहाँ जहाँ है वहाँ पर खबर किया, उसके बाद सब पब्लिक लोग आने लगा, जमा हो गया, उसके बाद हम लोग अपने बाहर आकर यहाँ पर बैठ। अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ, तो मतलब ये जो घटना हुआ है, तो वहाँ पर क्या लग रहा है कि ऐसे ही रात में सोते थे क्या हर दिन यहाँ पे? वो अंधेरे में सोता था अकेले? हाँ, अकेले रहता था। उनका नौकर कितना था यहाँ पे? नौकर देखिए, उसका नौकर में कोई कमी नहीं था, क्या समझे, सब है उधर का, छोड़े मारे सब था, उसका ही अपना ही आदमी सब है, और 2-4 गो क्या बताए, वो सब बोली, था नहीं बोली, खुलासा कीजिए। हाँ बोली, 2-4 तो मोहम्मदन भी रहता था उसके वहीं पे, उसी घर में, उसी घर में रहता नहीं था, जाता था और आता था, जाता था मिलजुल करने के लिए, भेंट घाट के लिए, एंजॉय करने के लिए। हाँ, एंजॉय करने के लिए। अच्छा, ये मारे के कारण की भौ सकी है जीतन जी के, किया मार दल के बेचारा, ये हम नहीं बताएंगे क्यों मार दिया, नहीं मार दिया, कैसे मारा, नहीं मारा। उम्र कितनी होती है इनका? 75 साल। क्यों कोई 60-65? 75 चार 50 के एवरेज में तो हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, कही चले जी ग्लास ग्लास बैठ लें शराबो पीबे के बाद है ये, अब हम तो नहीं गए खोजने के लिए, देखने के लिए तो नहीं गए, तो हम लोग वहाँ से निकले, एक के आदमी के काज से मारेंगे कि अकेला की बस की बात नहीं है, उसमें होगा तो 4-5 होगा या 10 होगा। अच्छा, मारने में? हाँ, अकेला तो वो तो 3-4 वो अपनों देख लेगा अकेला। अकेला में? हाँ, कितना हट्टा कट्टा था तब। अच्छा, ये बताइए जो मारने का कारण, जैसे कि मंत्री हैं उनके बेटा पूर्व रहे हैं, इसके लिए आखिर लोकल कोई झगड़ा? ये बात लोकले में है, लोकले कोई झगड़ा है? हाँ, झगड़ा उगड़ा नहीं था, कुछ लेन देन, लेन देन की बात होगी। अच्छा, ये सुइधो पीधो का? हाँ, रुपया लगाता था और ब्याज पे सुइध लगा बैठा। हाँ। अच्छा, तो समझ सकते हैं, आपका नाम क्या हुआ?
सुनील सानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये खुलासा कर रहे हैं कि जो घटना है वो काफ़ी दुखद है, लेकिन मारने में 4, 5 या 10 लोग हो सकते हैं। लगातार हम बने हुए हैं घटनास्थल से। अब देखने की बात है मुकेश सानी कब पहुंचते हैं अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए और क्या कहते हैं। लेकिन इस बीच लगातार पुलिस प्रशासन लगी हुई है और जांच चल रहा है। देखने की बात है ये खुलासा कितने बजे तक होता है। और कोई जानकारी बताइए, और कोई हमारे दर्शक जो पूरा बिहार आपको देख रहा है, कोई दर्शक? देखिए हमको कोई जानकारी नहीं है, जो बात है आया और पब्लिक लोग समाज सब है, पता लगाइए कहाँ क्या है नहीं है। ठीक, धन्यवाद, चलिए।